हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडीपीएस स्टेइंग एट होम स्टडी प्रोग्राम। दिस इज़ द लेक्चर ऑफ सिक्स क्लास ऑफ मैथ सब्जेक्ट एंड टुडे वी कंटिन्यू अवर एट चैप्टर फ्रैक्शंस। टुडेज टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। आज हम क्या है, फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। सो एडिशन ऐड कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को, वो देखते हैं हम पहले। सो जब भी हमारे पास क्या हो, लाइक फ्रैक्शंस हो। लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 2/8 + 3/8, इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब हम उनको ऐड करते हैं तो उनका डिनोमिनेटर जो हमारा आंसर में रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। एंड ऊपर जो न्यूमिनेटर होता है हम उसको प्लस कर देते हैं। सो 2 + 3 = 5/8। सो हमारा आंसर क्या बना, 5/8 बना। 2/8 + 3/8 को प्लस करके हमारा आंसर क्या बना, 5/8 बना। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 4/3 + 7/3, इनको हमने प्लस करना है। सो न्यूमिनेटर क्या है, 3 का 3 रहेगा एंड ऊपर 4 + 7 को हमने प्लस कर देना है। 4 + 7 = 11/3। सो हमारा आंसर क्या बना, 11/3, इन दोनों को प्लस करके। लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है हमें, ऐड 9/16, 3/4 and 5/8। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो सबसे पहले हम क्या है, इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। सो सेम कैसे बनाएंगे, इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जो नीचे डिनोमिनेटर है उनका हमने एलसीएम ले लेना है। सो एलसीएम लो, यहाँ पे हम लेते हैं 16, 4, 8 का हमने एलसीएम लेना है, हमने किया हुआ है ना ये। सो ये तीनों क्या है, 4 के टेबल में आता है। 4 = 16, 4 = 1, 4 = 2, 8। अब 2 के टेबल में 2 = 4, 1 = 1, 2 = 2। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 4 = 8, 8 = 16। सो 16 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे देखो एलसीएम आ गया। मीन हमने इनका डिनोमिनेटर सभी का क्या बनाना है, 16 बनाना है। सो फर्स्ट क्या है, 9/16 है, इसका डिनोमिनेटर तो 16 है ही। अब सेकंड जो हमारी फ्रैक्शन है 3/4, इसका डिनोमिनेटर भी हमने क्या बनाना है, 16 बनाना है। सो 4 = 16 होता है। सो मीन ऊपर हमने न्यूमिनेटर को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 × 3 = 12/4 = 16। अब क्या है, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी क्या बन गया, 16 बन गया। ऐसे ही अब हमने थर्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 16 बनाना है। सो थर्ड फ्रैक्शन क्या है हमारी, 5/8, 8 × 16 होता है। सो मीन न्यूमिनेटर को भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10 एंड 8 × 16। सो ये हमारे पास 3 फ्रैक्शंस बन गए जिनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है सो उनको हम इजीली ऐड कर सकते हैं। कैसे, हम क्या है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम रखेंगे एंड ऊपर न्यूमिनेटर को प्लस कर देंगे, 9 + 12 + 10, इनको प्लस करो। 9 + 12 = 21, 21 में 10 प्लस किए 31, 31/16। सो हमारा आंसर क्या आया, 31/16 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखो, नीचे करके दिखाया हुआ है, यहाँ पे फ्रैक्शंस को हमने डिनोमिनेटर सेम बना लिया, 9/16, 12/16, 10/16। अब क्या है, इनको हमने प्लस कर देना है। 16 का 16 डिनोमिनेटर सेम है, सो ऊपर वाले को हमने प्लस कर दिया। सो 31/16 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है, जब हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हो तो उनको हमने कैसे ऐड करना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 4 1/8 है ना। सो हमें फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना आता है। कैसे करते थे, जो वोल पार्ट है उसको हम क्या है,
डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड जो हमारा न्यूमिनेटर है उसको हम प्लस कर देते हैं। सो क्या बनेगी यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 बनेगी एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम 8 ही रहेगा। सो 8 4 जा 32, 32 में 1 प्लस किया 33 अपॉन 8 हमारी फ्रैक्शन बन गई यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो करके दिखाया हुआ है 33 अपॉन 8। सो ऐसे ही सेकंड इस फ्रैक्शन को जब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया सो क्या बना हमारे पास, 20/6 बना, क्योंकि 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 18, 18 में 2 प्लस किया ये वाला 20 अपॉन 6 हमारी सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। ऐसे ही हमने थर्ड फ्रैक्शन को भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया सो बनी क्या हमारे पास, 10/9। अब देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, फर्स्ट का क्या है 8 है, सेकंड का क्या है 6 है, थर्ड का क्या है 9 है। सो अब क्या है 8, 6 और 9 का हमने क्या है एलसीएम ले लेना है। सो यहाँ पे देखो 8, 6, 9 का एलसीएम लिया कितना आया, 72, 72 एलसीएम आया। सो हमने क्या है सभी का डिनोमिनेटर क्या है 72 बना लेना है। सो फर्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बनी थी, 33 अपॉन 8, 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 बनेगा। सो हमने न्यूमिनेटर को भी 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही हमने सेकंड को भी 72 बना लिया डिनोमिनेटर, फर्स्ट का डिनोमिनेटर, सेकंड एंड थर्ड का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। सेम बनाते समय जिस नंबर के साथ हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर के साथ हमने न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे देखो दोनों ऊपर और नीचे 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ऊपर और नीचे 12 के साथ, यहाँ पे ऊपर और नीचे 8 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब डिनोमिनेटर क्या है सभी का सेम है, 72, 72 एंड 72 है सभी का। सो अब प्लस करना ईजी है, सो 72 का हमने नीचे 72 लिख लिया एंड ऊपर वाले हैं जो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे। सो तीनों को प्लस करके हमारे पास क्या आया, 617 अपॉन 72 हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन भी क्या है, सेम जैसे हम एडिशन करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन में करना है हमने। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल क्या दी हुई है, 8/8 में से हमने 5/8 माइनस करना है। सो डिनोमिनेटर क्या है सेम है, सो 8 का 8 डिनोमिनेटर रह गया, ऊपर वालों को हमने माइनस कर देना 8-5। सो आंसर क्या है हमारा, 3/8 हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी करना है एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी करना है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 फ्रैक्शन हैं, 4/3 मल्टीप्लाई 2/5 ये फ्रैक्शन है। इसमें क्या है सिंपल, जो न्यूमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर के साथ। सो क्या बना हमारे पास, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 एंड 3 को 5 के साथ किया मल्टीप्लाई 15। सो आंसर क्या बन गया हमारा, 18/15। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 7/16, 4/5 ये फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। सो 7/4 = 28, 6/5 = 30। सो ये हमारे क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको हम क्या है लोएस्ट वैल्यू तक भी रिड्यूस कर सकते हैं। सो दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 14 2 = 28 होता है एंड 15 2 = क्या होता है, 30 होता है। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो हमने इसको क्या है रिपीटेड एडिशन के मेथड से मल्टीप्लाई किया है, 6/1/2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। रिपीटेड एडिशन से कैसे करेंगे, अगर हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आता है, अगर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 6 आता है। सो हम इसको 1/2 को 6 के साथ करें या 6 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम ही आएगा। सेकंड, अगर हम देखो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 = 10। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हमने 5 टाइम प्लस करना है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2
ऐसे भी रिपीटेड एडिशन में लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि अब इनको प्लस करेंगे, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। सो 1/2 को जब हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मीन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 + 1/2 6 टाइम प्लस कर सकते हैं ना इसको, 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 6 टाइम इसको ऐसे लिख लेंगे। सो अब देखो, जब हमने ऐसे लिख लिया 6 टाइम, अब इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। सो आंसर में हमारा डिनोमिनेटर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंड ऊपर वालों को हमने प्लस कर देना, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 6 टाइम 1 को प्लस किया, 1 2 3 4 5 6। सो आंसर क्या बना हमारा, 6/2 बना। जब हमारे पास आंसर 6/2 बना, सो इसको हम क्या है, कट कर देंगे, 6 को कट किया, 2 3 6 होता है। सो हमारा आंसर क्या आया, हमारा यहाँ पर 3 आया, क्योंकि जो हमने 6/2 लिखा, इसका मीनिंग क्या है, इस 6 को हमने क्या है, 2 के साथ डिवाइड कर देना है। 2 पर डिवाइड किया 6 को, 2 3 कितना होता है, 6 होता है। सो तो भी हमारा आंसर क्या है, 3 आया। सो हम इसको, इसका आंसर क्या है, यहाँ पे देखो 6/2 को कट किया, तो हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पे 3 आया। सो ऐसे क्या हम इसको रिपीटेड एडिशन के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट में देखो, यहाँ पे व्हेन टू नेचुरल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, देन द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन बोथ ऑफ देम। जब हम टू वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो उनका प्रोडक्ट होता है उनसे बड़ा होता है ना, जैसे हमने 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, जो प्रोडक्ट आया इन दोनों से क्या है, बड़ा है। लेकिन बट दिस सेम डज नॉट अप्लाई टू अ फ्रैक्शन, बट ये फ्रैक्शन पर अप्लाई नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो क्या है, उनसे छोटा भी होता है एंड कभी कभी बड़ा भी होता है। सो यहाँ पे देखो, हमने 1/3 को क्या है, 2/6 के साथ मल्टीप्लाई किया। सो मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 6 3 18, हमारा क्या बना यहाँ पे, 2/18। ये 2/18 क्या है, 2/18 जो है वो क्या है, 1/3 से छोटा है, क्यों, क्योंकि हम इसको चेक कैसे करते हैं, हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं ना, हमारा आंसर क्या आया था, 2/18 आया था। ये क्या है, 1/3 से छोटा है, कैसे चेक करो, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 2 3 6 18 1 18। सो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हुई, ये वाली बड़ी हुई। सो यही इसमें बोला गया है कि जब हम वोल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा क्या होता है, उन नंबर से बड़ा होता है, लेकिन फ्रैक्शन में सेम नहीं होता। फ्रैक्शन में क्या है, जो प्रोडक्ट होता है वो उनसे छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। सेकंड, इस फ्रैक्शन में देखो, यहाँ पे 6/4 को जब हमने 9/7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 9 = 54, 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 28। अब जो ये 54/28 है, ये क्या है, 6/4 से क्या है, बड़ा है ये वाला। कैसे चेक करते हैं हम इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। 54/28 को हमने 6/4 के साथ चेक करना है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 4 को 54 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 4 = 16, 4 4 = 16, 4 5 = 20, एंड 20 में 1 प्लस किया, 21। सो ऐसे इसको चेक करो, 8 6 = 48, 4 कैरी आ गया, 6 2 = 12, 12 में 4 प्लस किए, 16,
सो अब देखो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है ना। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन को हमने क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है हमारी उसको क्या है हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। सो 4 को हम क्या है 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हम प्लस कर देंगे उसमें। सो डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, 4 3 12, 12 में 2 प्लस किया 14, 14/3 बन गई हमारी फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो करके दिखाया 14/3, अब क्या है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 × 14/3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 14 3 42, 4 3 12। अब इसको लोएस्ट फॉर्म तक रिड्यूस करेंगे, दोनों क्या है 6 के टेबल में आते हैं, 6 7 = 42, 6 2 = 12, 7/2 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। सो टुडे वी कंप्लीट अवर दिस लेक्चर एंड दिस चैप्टर आल्सो। सो थैंक यू टू आवर स्टूडेंट्स।